हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा NTSC का जो है ना फॉर्म दिखाने वाला हूं कि कहां पे क्या क्या फिलअप किया जाता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टेट जो ऐसे हैं अभी उनका फॉर्म नहीं आया हुआ है, लेकिन जिन जिन स्टेट का आया हुआ है आप लोगों को फॉर्म जो है ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं एक एक करके आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021, यानी 2021 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है NTSC का, उसके लिए कैसे हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे हम लोग फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास 10th, आप लोगों को पता है कि जो बच्चे 10th में इस बार अपेयर हैं वो लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, NTSC के फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे इस बार NTSC के एग्ज़ाम में देंगे उनका एग्ज़ाम NTSC का, उनको 10th में अपेयर होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो बच्चे इस बार 10th में हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम एंड एड्रेस, सबसे पहले आपको डेट का एग्जामिनेशन का डेट होगा, उसके बाद नेम और एड्रेस होगा आप लगा एप्लीकेशन फीस होगा, और यहाँ पे आपको फोटो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट दे दीजिए, DDA नंबर यानी डिमांड ड्राफ्ट जो बनता है उसका नंबर देना पड़ता है, डेट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, नेम ऑफ बैंक, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेज लेवल 11th डिजिट रोल नंबर, आप लोगों को स्टेज कोड मिलेगा, ईयर यहाँ पर है, सेंट्रल कोड डालना पड़ेगा, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, केस और ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहला जो काम है ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप जो ऑफिशियल है वो आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम लिखना होगा, एकदम कैपिटल लेटर में लिखना है, मिस्टर और मिसेज नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखिएगा, सेकंड में अपने फादर का नाम लिखना है, थर्ड में आपके मदर का नाम लिखना है, ये जो लिखिएगा आप लोग सब कैपिटल लेटर में चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, एरिया विच आर कैंडिडेट रहे, आप कौन से रूरल में हैं या अर्बन में हैं ये देना है, कास्ट अगर आपका है जर्नल OBC ST ST तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। डिस्क्राइब स्टेटस यानी आप लोगों को PhD AID ये सब नॉर्मल जो कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी डालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू बिलोंग OBC कैटेगरी, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस यानी जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस डालिएगा, नेम एंड एड्रेस द स्कूल इंस्टीट्यूट, आपको अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डालना है, यानी इस वाले कॉलम में आपको अपने स्कूल अपने अपना एड्रेस डालना है, इसमें आपको अपने स्कूल का एड्रेस डालना है, जो आपका स्कूल है उसके स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 10th नंबर पे टाइप द इंस्टीट्यूट विच द स्टडी इन, आप कौन से टाइप हैं, गवर्नमेंट है कि लोकल बॉय हैं कि प्राइवेट हैं कि प्राइवेट अन डाई है, तो आप लोग जो भी जिस कैटेगरी में पढ़ते हैं आप लोग लिख दीजिएगा, जो स्कूल है आपका रूरल है या अर्बन है वो डालना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल मीडियम जो है आप लोगों का क्या है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, कोई सी भी जिस भी मीडियम से हैं आप उस मीडियम में डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय हैं कि नवोदय विद्यालय हैं। फादर एजुकेशन, अपने फादर का एजुकेशन बताना है, अपने फादर का क्या करते हैं आपके फादर, मदर की एजुकेशन बतानी है, आपकी मदर क्या करती हैं ये बताना है। नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर इज लिविंग इन द हाउस, आपके फैमिली मेम्बर में कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ ब्रदर कितने हैं आपके, नंबर ऑफ सिस्टर कितने हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को फिलअप करनी है। पर्सन एनुअल इनकम, अब ये पेरेंट का जो है एनुअल इनकम बताना है कि 1 लाख है, 2 लाख है, कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 लाख, 2 लाख से ऊपर, 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, मोर देन 10 लाख यानी 10 लाख से ऊपर जो भी है आपका इसमें आपको फिलअप कर देना है। सपोज रेट कि 1 लाख से कम है तो आप लोग ए पे क्लिक कर देना, अगर 5 लाख से 10 लाख के ऊपर है तो आप लोग 4 पे क्लिक कर देना, ऐसे होगा। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे देना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर में जो होता है आप लोगों का जो लैंडलाइन होता है वो देना है, एक्चुअली आपका मोबाइल नंबर ही देना होता है, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप लोग दे सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दें, क्योंकि जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी आपको ईमेल आईडी पे ही आएगी। अब यहाँ पे ये जो काम है इंस्टीट्यूट वालों का काम है, मास्टर मिसेज जो भी है वो आप लगा दिए, फिलिंग इन द फ्लिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द गेजेटेड ऑफिसर, जो भी आपके गेजेटेड ऑफिसर हैं यानी आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर और थम्स जो होता है वो लग जाएगा और आपका यहाँ से फॉर्म जमा हो जाएगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ
कोडिंग प्लान जो है कैसे क्या किया जाता है ये उतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग कोड जो है मैंने बताया कि फादर का जो भी लिखा है एग्जामिनेशन रिटर्न इन द एड्रेस जो भी है, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि जो कोड होता है वो क्या होता है। असम का जो कोड है वो 12 है, मणिपुर का कोड है 13, ऐसे ही सबका कोड होता है, आप लोग कोड वाइज देख सकते हैं। जैसे कि बंगला का हो गया 12 कोड, ये लैंग्वेज का भी कोड है कि आपको कौन से लैंग्वेज में जो जो है एग्ज़ाम देने हैं, ये लैंग्वेज कोड होता है। एजुकेशन कोड हो गया 12 एंड 13, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो भी है, आप लोग ये कोड है, इस कोड के थ्रू आप लोग जो भी है वहाँ पे आप लोग फिलअप करोगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फादर मदर जो है ऑक्यूपेशन जो भी है अगर उनका है कोड 1 डालना है, अगर है पर्सनली जो भी है आप लोग यहाँ से कोड जो है कोड जहाँ जहाँ बोला गया है आप लोग कोड डाल दीजिएगा बेसिकली। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है मैं त्रिपुरा का ही दिखा रहा हूँ एडमिट कार्ड, क्योंकि ऐसा ही एडमिट कार्ड सबका होता है, ऐसा नहीं कि एक स्टेट का अलग है दूसरे स्टेट का है। यहाँ पे तो आपको फोटो चिपका देना है अपना, यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो भी है आपका अपना नाम लिख देना है, सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है आप लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक स्कूल का ये जो लग रहा है ना मोहर, ये आपके स्कूल का मोहर यहाँ पे लग जाएगा, और इसी एडमिट कार्ड को लेके आप डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम के सेंटर में जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पिन कोड हो जाएगा, स्टेट का कोड हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, कोड सेंटर हो जाएगा, सब कुछ आपको मैंने जो कोड ऊपर दिखाया है ना ये सारा कोड अवेलेबल है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिख ही रहा है कि 13 दिसंबर को है। एग्जामिनेशन का टाइमिंग है मैट जो है 10:30 से 12:30 होगा, सेट का एग्ज़ाम 1:30 से 3:30 होगा। और यहाँ पे जो है हेड ऑफ प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट का आपका सिग्नेचर हो जाएगा, मोहर लग जाएगा। और आपको जो मैंने अभी ऊपर दिखाया ना ऐसा एक स्टंप आएगा, और स्टंप जैसे ही आपका लग जाएगा तो आपका ये एडमिट कार्ड भी उस फॉर्म के साथ साथ मिल जाएगा आपको। तो एडमिट कार्ड के लिए भी तैयारी है जो है वेट नहीं करना है, एडमिट कार्ड भी आपका आ ही जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझ में आ गई हैं। मैंने आपको जो है एडमिट कार्ड और फॉर्म दिखा दिया है, NTSA का फॉर्म कैसा होता है, एडमिट कार्ड कैसा जारी होता है। आई होप कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेहिचक आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि इसका जो है कैसे करें या ना करें, क्योंकि जिस जिस स्टेज का आया है मैंने लमसम में सब स्टेज का बता दिया है। अभी जैसे ही कोई भी फॉर्म मेरे पास आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अगर आप लोगों को NTSA के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और हाँ दोस्तों एक और बात कि मैं अनअकैडमी पर NTSA ही पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी में मैं आपको बता दूं कि मेरी एवरीडे 9 यानी 9 बजे सुबह मेरी क्लास चलती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, आपको इसमें कोई भी पैसा पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 9 बजे एकदम फ्री क्लास चलती हैं, उस फ्री क्लास में आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को NTSA का एडमिट कार्ड और फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर सही में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक जो है ना दोस्तों मेरे को मोटिवेट करेगा कि कम से कम बच्चे जो हैं लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे NTSA का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।